हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, सो आज हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इट्स आल्सो जैन 2021 टू अप्रैल 2021, न्यू क्यू कार्ड. एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू टोल्ड योर फ्रेंड एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ. हु योर फ्रेंड इज, व्हाट द ट्रूथ वॉज, व्हाट वॉज योर फ्रेंड्स रिएक्शन वॉज, एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द ट्रूथ टू योर फ्रेंड. ओके यार, ये टॉपिक जो है ना, इसके ऊपर मेरे पास ना दो कुछ मतलब ना आइडियाज आए थे, ठीक है? मैं दोनों शेयर कर देती हूँ, मगर डिटेल में मैंने एक बनाया. सो आपने इनकेस मतलब आपको वो भी अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है? अब पहला आइडिया, ठीक है, अब पहला आइडिया क्या होता है कि एक्चुअली दोनों क्यू कार्ड ऐसे है कि जो नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ होते हैं, ठीक है? तो पहला आइडिया क्या है हमारा कि इसमें मैंने ना ऐड किया है कि आप किसी मतलब काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे, और आपने क्या किया, आपने फ्रेंड का लैपटॉप या हाँ लैपटॉप लेके आए, ठीक है? तो लैपटॉप लाए तो क्या हो गया कि आपके घर कोई रिलेटिव्स आया था, कोई छोटा बच्चा था, और उसने क्या कर दिया, वो उस पर मतलब काम कर रहा था या कुछ मतलब उससे गिर गया, ठीक है? सो मिस्टेकनली उससे गिर गया, तो क्या हुआ कि वो लैपटॉप जो टूट गया. तो आपने क्या किया कि आप लाइक वहाँ पे गए, सर्विस सेंटर गए, और वहाँ पे जाके पूछा तो उसने बोला कि इसकी जो रिपेयर मतलब होएगी और इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो नहीं है, और लाइक वीक लगेगा. ठीक है, पहले आपने सोचा कि आप नहीं बताओगे, ठीक है, मगर आज कि आपकी अफेक्ट कर सकती थी, ठीक है, ये आपकी फ्रेंडशिप को. बट फिर आपने क्या किया कि आपने सोचा कि नहीं, मेरे को सच बता देना चाहिए, अगर इनकेस उसको लाइक बाद में पता चला तो इट कैन अफेक्ट ऑल्सो. सो आपने क्या किया कि आपने उसको बता दिया. पहले तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, और बाद में क्या हुआ कि लाइक उसने मतलब बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से भी हो सकता था. और इवन आपने मतलब उसको बोला कि मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है? सो ये आप टॉपिक बोल सकते हो, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द ट्रूथ, ठीक है, क्योंकि आपने उसका नुकसान किया था, ठीक है? सो ये एक ले सकते हो. अब मैंने जो आइडिया लिया है, ठीक है, वो देख लो एक बार. अब मैंने लिया है कि नॉर्मली क्या होता है कि लाइक हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी के साथ स्टडी करते हैं, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि लाइक पेरेंट्स किसी के बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है बट आप उसको बताते नहीं हो. तो वही चीज़ मैंने इसमें कंसिडर की है, टाइम व्हेन यू टोल्ड द ट्रुथ टू योर फ्रेंड, ठीक है? कब की बात है, ग्रेजुएशन की बात है, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड होती थी, ठीक है, उसका नाम लिख दिया अंकिता, ठीक है? वो क्या था कि हम दोनों हॉस्टल में, हमने स्टडी इकट्ठी की है ग्रेजुएशन टाइम में, तो हम दोनों रूममेट थे. तो क्या हुआ कि एक दिन रात को मेरे को कॉल आई कि लाइक उसकी मदर जो है, उसके फादर की कॉल आई, और उन्होंने बोला कि उसकी मदर को हार्ट अटैक आ गया, तो वो सीरियस कंडीशन में है, बट हमारा एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे. तो उसके पापा ने आपको ये भी बोल दिया साथ में कि प्लीज़ उसको बताना मत, बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है, और इवन वो अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी एग्ज़ाम के बाद. बट आपने क्या किया, जब आप बताना चाहते थे बट आपने नहीं बताया, बिकॉज आप उसका एग्ज़ाम, आपका उसका फ्यूचर या करियर आप स्पॉइल नहीं करना चाहते थे, तो आपने उसको थोड़ा हाइड कर लिया थोड़े टाइम के लिए. और जब एग्ज़ाम ओवर हुआ, आपने उसको बता दिया और वो रोई, ठीक है, और उसके बाद आप उसके साथ ही आप जो है अपने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉस्पिटल चले गए. जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे, उसकी मदर का ऑपरेशन वगैरह हो गया और वो बेटर फील हो गया, उनको मतलब वो ठीक हो गए, ठीक है, और आपने साई ऑफ रिलीफ लिया. सो ये वाला कुछ आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो, और आप इसको अच्छे से मतलब स्टोरीज वगैरह ऐड करके एक 2 मिनट का क्यू कार्ड बना सकते हो. सो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैंने 2 मिनट्स में कैसे इसको बनाया. Now let's start. Well, secrets and lies can kill relationships, and it doesn't matter how careful you are. Many situations occur in life when we have to conceal the truth from our beloved ones for several reasons. Here, I would like to talk about a situation when I told an imperative truth to my friend.
एक्चुअली आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद माई फ्रेंड अंकिता एंड वी शेयर्ड रूम टुगेदर फॉर 4 years. वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड स्टडी टुगेदर. आई विविडली रिमेंबर वंस एट नाइट टाइम वी वर इन आर रूम प्रिपेयरिंग आर फाइनल एग्जाम. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अननोन नंबर. वेन आई रिसीव द कॉल आई केम टू नो दिस कॉल वॉज ऑफ अंकिताज फादर एंड ही कॉल्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स लैंडलाइन टेलीफोन. He told me that Ankita's mother had a heart attack and admitted in the hospital. Moreover, he informed me that she is in serious condition. Although I wanted to inform Ankita at the same time, it was an instruction by her father not to tell anything about this to Ankita, as she is very sensitive and this news can spoil her exam. Consequently, she would not be able to concentrate well on her study. When the exam was over, I informed Ankita about her mother's condition. She was shocked and started crying a lot, as she is very close to her mother. I hugged her to make her feel better. After a few minutes later, we packed our bag and went straight forward to hospital. On the way, she was praying to God, and luckily, when we reached hospital, Ankita's father informed us that her mother is out of danger, and we took sigh of relief. All in all, this was the time when I told truth to my friend, and it was very imperative to tell everything to my friend because her mother was in serious condition. In addition to it, she was a single child in her family, so she was needed in hospital. So I hope क्लियर हुआ हो आपको. अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम है रीडिंग लिसनिंग राइटिंग प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. और अगर आपको कोई भी न्यू क्यू कार्ड का आंसर चाहिए प्लीज़ डू आस्क. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू.